गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गुड इवनिंग। आज की जो शाम है काफ़ी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि थोड़ी देर में मैं जाने वाला हूँ महाकाली दरबार, क्योंकि आज है महापूजा और मैं वेट कर रहा हूँ। अभी दादा लोहागढ़ गए हैं और आज के दिन का मेरा ये सेकंड ब्लॉग शूट हो रहा है। थोड़ी देर पहले मैं था चामुंडा मंदिर में, हमारे यहाँ से पूजा आई थी, और जो महापूजा है उसमें भी हमारे यहाँ से सिनलेक से पूजा आई हुई है, वो मैं भी जा रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है उधर, पता नहीं ब्लॉग शूट कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और मैं तो लेट भी हो गया हूँ, मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ। मुझे लगता है अब तो जो महापूजा होती है, जहाँ से जिनके घर से महापूजा जाएगी काली का दरबार को, तो वो निकल भी चुकी होगी। सो मेरी एक फ्रेंड है वहाँ पे, प्रज्ञा रावल करके, हिमालयन गर्ल करके उसका इंस्टाग्राम आईडी है, नीचे आपको शो हो रहा होगा। सो उसको मैंने बोल दिया था कि कुछ क्लिप्स मेरे लिए शूट कर देना, तो उसका कॉल आ गया था कि जितना भी हो पाएगा कर दूंगी। उनके कोई भाई हैं नंदिश रावल आई थिंक, तो उनका भी व्लॉगिंग चैनल है, तो वो भी व्लॉग शूट कर रहे होंगे। तो वो कह रही थी मेरे लिए थोड़ा बहुत क्लिप्स नंदिश से भी करवा देगी। तो नंदिश भाई के चैनल को भी ज़रूर आप सपोर्ट कीजिए, उनका भी मैं चैनल का लिंक दे दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन में। उन्होंने भी महाकाली का व्लॉग बनाया होगा, तो वो भी आप ज़रूर देखना। तो फिलहाल मैं थोड़ी देर में रेडी होने वाला हूँ, दादा पहुँच जाएंगे, उसके बाद हम भी निकलेंगे और दिखाएंगे आपको महापूजा। जो कुछ भी हम शूट कर पाए वो ज़रूर आपको दिखाएंगे। ये देखिए सनसेट हो रहा है, इसका मतलब 6 बज चुके हैं। अगर आप वीडियो में आ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और व्लॉग को पूरा ज़रूर देखना, मज़ा आएगा आपको। हमारे कल्चर को देख के आपको सच में काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि जो लोग यहाँ से हैं वो तो उनको तो पता है, और जो लोग बाहर से देखेंगे उनको पता चलेगा। बहुत ज़्यादा मान्यता है हमारे यहाँ के काली माता की, वहाँ पर है आज महापूजा, तो पूरा व्लॉग जरूर देखना, आपको मज़ा आएगा। और ये पूरी पूजा रात में होने वाली है, रात 12 बजे के बाद आई थिंक खाना पीना स्टार्ट होता है उधर, तो बने रहिए व्लॉग में। 1 hour later सो गाइज, मैं हो गया हूँ रेडी मंदिर जाने के लिए, लेकिन दादा अभी भी नहीं पहुँचे हैं, और अभी टाइम हो गया है, 7 बज गए हैं, तो मैं अभी भी फ़िलहाल वेट ही कर रहा हूँ। और स्नेहा का बैड लक है कि उसके हाथ में दर्द है, इसलिए वो नहीं आ सकती मंदिर। आ सकती थी, पैर से थोड़ी जा, पैर में थोड़ी दर्द है, लेकर नहीं जा रही मुझे। क्या करेगी यार, वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है ना, खचर पचर में कहीं हाथ में लग गई फिर उल्टा। दिखाना अपना हाथ, दिखा। इसने इतना मैला बना दिया है प्लास्टर अपने हाथ का, इसीलिए दिखा नहीं रही है। और यहाँ पे ऊपर पे ना कुछ गजब का नजारा दिख रहा है मुझे, वो दिखाता हूँ आपको। ये देखिए पहाड़ के उस पार है बादल, और सनसेट, कब के सनसेट हो चुका है, लेकिन उस पर हल्की सी सूरज की रोशनी पड़ रही है, इसलिए कितना गजब का लग रहा है। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए। सो गाइज, अभी टाइम हो गया है 8:30, और हम लोग अभी निकल गए हैं कालिका मंदिर को, और काफ़ी लेट हो गए हैं हम लोग।
सो हमने गाड़ी लगा दी है काफ़ी ऊपर और ये है गंगोली हाट का नज़ारा। और यहाँ से करीब 500 मीटर या 1 किलोमीटर, नहीं 500 मीटर हमने जाना है। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं कालिका मंदिर। गजब की चहल पहल है यहाँ, श्रद्धालु लोग आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं। मंदिर में तो गाइस काफी ज्यादा भीड़ है, अभी यहाँ पे जूते उतार लेते हैं उसके बाद सारा कुछ दिखाते हैं आपको।
तो गाइज रात के 2:30 बजे हम लोग घर पे पहुंचे। उसके बाद आधे घंटे बाद नींद आई और 4-5 बजे सुबह फिर से मैं उठ गया व्लॉग एडिट करने के लिए। ऑलमोस्ट मेरा व्लॉग पूरा एडिट हो चुका है, लास्ट यही क्लिप डालना रह गया है। और अभी सुबह के बज रहे हैं 7, होप कि ये वीडियो मैं टाइम पे पोस्ट कर दूंगा। और मैंने पूरा वीडियो को रॉ रखने की कोशिश की है, ज़्यादा एडिट नहीं किया है, पूरा रॉ फॉर्म में ज़्यादा वीडियो को रखा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा और महाकाली से विश करता हूँ कि आप लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो। माँ महाकाली का आशीर्वाद आप सब पर बने रहे। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पे नए नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।